हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस लॉ के अंदर, डैट वाज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उसी तरह ही हमने अंडरस्टैंड किया कि ये एग्रीमेंट के अंदर अगर वैलिड एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 के अंदर हैं वो प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये लीगली इन्फोर्सिबल है और प्लस सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके रिटन नोट जो है मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किए हुए हैं, तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसको शेयर कर दूंगी। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो मेरा जो लेक्चर होगा वो मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल के ऊपर अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। अगर हम वैलिडिटी के बेसिस पे देखते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। और उसी तरह फॉर्मेशन के बेसिस पे हम देखते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देखते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और उसी तरह हम देखते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो सही है, जिसके अंदर हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। देखो, जो एग्रीमेंट होता है अगर वो लीगली इन्फोर्सिबल है और सेक्शन 10 के वो सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल एट लॉ इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ले डाउन इन सेक्शन 10 आर फुलफिल्ड। जो सेक्शन 10 के अंदर हमें बताया गया है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सर्टेंटी होनी चाहिए, और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो भी एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिबल है, जो पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करता है, और सेक्शन 10 के जो सारे एसेंशियल्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि शुरू में ये वैलिड है, उसके बाद ये वॉइड हो जाता है। तो सेक्शन 2J जो है इसको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इनिशियल इट वॉज लीगली इन्फोर्सिबल, कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस वक्त ये सही था, पर जब इसकी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया तो ये वॉइड हो गया ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ दी परफॉर्मेंस, जिसको हम लीगली या फिजिकली जो है हमारे हाथ में ही नहीं रहा कि हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो किसी विदेश से इंपोर्ट करनी है, उस वक्त हमारे उस देश के साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन बाद में वॉर लग जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एनमी कंट्री का करेक्टर स्टेटस जो है हासिल कर लेती है। अब ड्यू टू वॉर जो होता है कि जो इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। तो वो शुरू में जब हमारे पीसफुल रिलेशन थे तब वो सही था, लेकिन बाद में वॉर लग जाती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो वॉइड हो जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन कौन सा डील करता है, 2J डील करता है, और ये क्या कहता है कि इनिशियली इट इज़ वैलिड बट लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द फिजिकल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर पब्लिशिंग द बुक ऑफ ए। देखो, वहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है कि जिस ऑथर ने बुक लिखनी थी उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। देखो, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसको पहचानने के लिए हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि शुरू में ये सही होता है,
ठीक है, लेकिन फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे देखो जैसे एक ही डेथ हो गई है तो डेफिनेटली अब जो ऑथर है उसी की डेथ हो गई, तो जो है एग्रीमेंट है उसको किस तरह से हम पूरा करेंगे, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसी तरह ये आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के बेसिस पे वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो पहले हमने किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, फिर उसके बाद हमने किया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विच वॉज इनिशियली गुड लेकिन बाद में वो वॉइड हो जाता है, फिजिकली और लीगल इम्पॉसिबल हो जाता है। बट वॉइड एग्रीमेंट विच इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, द विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ, जिसको हम लॉ के अंदर इन्फोर्स करवा ही नहीं सकते, इसको सेक्शन 2G जो है डिफाइन करता है। ये कोई लीगल राइट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करता, जैसे हम माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये वॉइड है, और इसी तरह अगर हम अनसाउंड माइंड के साथ करते हैं तो डेट इज़ ऑल्सो वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। एब इनिशियो का मतलब है कि बिगनिंग से ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये वॉइड है। वॉइड का अर्थ होता है कि इसके अंदर अगर हमने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो माइनर कल को कोई ब्रीच करता है तो हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। वॉइड मीन्स कि हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है, इन्फोर्सिबल है अनटिल इट इज़ कैंसल्ड बाय द पार्टी इंटाइटल टू अवॉइड इट। इसको सेक्शन 2I जो है डिफाइन करता है। देखो जो कंसेंट है पार्टी की वो फ्री नहीं है। अब जैसे मैं आपकी कनपट्टी पे गन रख दूँ और कहूँ कि आप अपना घर जो है मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ पे आपकी जो कंसेंट है डैट इज़ नॉट फ्री। तो अगर आप चाहो तो इसको जो है वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो यहाँ पे द पार्टी हुज कंसेंट इज़ नॉट फ्री मे आइदर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और बाउंड बाय इट। अब देखो क्या है कि अगर जैसे अगर आप कुछ नहीं करते, आप कोर्ट के अंदर नहीं जाते, उसको कैंसिल करवाते नहीं हो, तो वो वैलिड होता है। इसीलिए इसको वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार फॉर ₹50,000 टू बी द कंसेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। तो ये एक ही ऑप्शन के ऊपर जो है वॉइडेबल है। किसकी ऑप्शन पे? जिसकी कंसेंट जो है फ्री नहीं है, अगर वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। अगर वो कोई स्टेप्स नहीं लेता तो ये वैलिड होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो सेक्शन 2J जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शुरू में इन्फोर्सिबल होता है बट बाद में ये लीगली अनइन्फोर्सिबल हो जाता है। सेक्शन 2I जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट जो है यहाँ पे क्या है कि फ्री कंसेंट जो है डैट इज़ मिसिंग, तो वहाँ पे वो वॉइडेबल हो जाता है जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इनिशियली वैलिड होता है लेकिन कुछ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो जो है वॉइड हो जाता है। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि देखो जो कंसेंट है डैट इज़ नॉट फ्री, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर अग्रीव पार्टी कोर्ट के अंदर जाए तो उसको वॉइड जो है डिक्लेयर कर सकती है। जब तक वो कोई स्टेप्स नहीं लेती तब तक वो वैलिड होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे इसको जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और इसके तहत कोई थर्ड पार्टी जो है कोई राइट नहीं प्राप्त करती। बट वॉइडेबल जैसे मान लो ए से जैसे मान लो ए का कंसेंट जो है फ्री नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, ए को जोर जबरदस्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए गए हैं लेकिन कोई ये एक्शन नहीं लेता, मीन टाइम जो है दूसरी पार्टी आगे सेल कर देती है, तब तीसरी जो थर्ड पार्टी है वो राइट एक्वायर कर लेती है, तो यहाँ पे फिर वो पार्टी जो है उसके पास ऑप्शन नहीं रहती। ए थर्ड पार्टी हु डील्स इन गुड फेथ, देखो अगर वो गुड फेथ के अंदर जो है डील करती है और कॉन्ट्रैक्ट की कैंसलेशन से अगर वो कोई स्टेप नहीं लेता जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, अगर वो क्या एक्शन नहीं लेता, मेन टाइम वो थर्ड पार्टी को जो है चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, तो थर्ड पार्टी वहाँ पे बेटर टाइटल एक्वायर करती है, गुड टाइटल एक्वायर करती है। तो यहाँ पे जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स को जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको पूरा करने के लिए हम कोई सब्सिडरी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये उसको अफेक्ट नहीं करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिकली देखो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है डैट इज़ नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, थर्ड पार्टी जो है उसके अंदर कोई राइट प्राप्त नहीं करती, तो इवन जो टाइम ख़त्म हो जाने पर भी ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता।
और उसी तरह क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, जहाँ पे इलीगल है, इलीगली वहाँ पे जिसका ऑब्जेक्टिव जो है इलीगल है, तो वो उसकी कोलेट्रल ट्रांजेक्शन को जो सब्सिडरी होती है, जैसे मान लो हमने किसी गलत, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है गलत काम, मतलब जैसे बैंक के अंदर डिकायती डाली है, तो उसके लिए हम किसी से बॉरिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो हमारी जो बॉरिंग जो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है उसको भी वो इफेक्ट करता है, वो भी जो होती है वॉइड होती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। देखो इलीगल एग्रीमेंट जो है जो बेसिक पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करते हैं, जो क्रिमिनल इन नेचर होते हैं, इमोरल होते हैं, और इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे आर नल एंड वॉइड। ऑल इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वॉइड होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट जो होता है वो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन को भी इफेक्ट करता है। यहाँ पर इसका जो पर्पज़ होता है वो अनलॉफुल होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ए ने बी से 20,000 बोरो किया, ठीक है, और उसके बाद ए जो है एलियन के साथ, कोई जो दुश्मन कंट्री है उसके साथ प्रोहिबिटेड गुड्स की इंपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन देखो ए और बी के बीच में थी, ये कोलेट्रल थी, क्योंकि उसने इंपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की गई हैं उसकी इंपोर्ट करने के लिए पैसे उधार लिए, तो ये भी क्या है, इलीगल मानी जाएंगी। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं इलीगल एग्रीमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एग्रीमेंट एंड द इलीगल एग्रीमेंट। सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहता है कि एग्रीमेंट जो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड है। इलीगल एग्रीमेंट होता है कि जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है या क्रिमिनल इन नेचर होता है, जहाँ पे पर्पस जो होता है इलीगल होता है, जो लॉ प्रोहिबिट करता है वैसा हम एग्रीमेंट करते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, किसी को मारना, पीटना, किसी का कत्ल करना। वॉइड एग्रीमेंट जो है इलीगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट जो है उसको पनिशमेंट भी हो सकती हैं, और पार्टी टू वॉइड एग्रीमेंट अगर वो इलीगल नहीं है तो पनिशमेंट नहीं हो सकती। और उसी तरह इलीगल के अंदर जो सब्सिडरी ट्रांजैक्शन होती है, एग्रीमेंट होता है, वो भी वॉइड हो जाता है। तो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोलेट्रल ट्रांजैक्शन अगर वो इलीगल नहीं है तो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन को वो इफेक्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कि अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, जैसे प्रॉपरली साइन नहीं है, प्रॉपरली स्टेम नहीं है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहां पे एक्सप्रेस का मतलब है कि जब हमने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्कस किया है, उसको एक्सप्रेसली एग्री किया है, चाहे बोल के चाहे रिटन के अंदर। जैसे ए जो है बी को कहता है कि आई वांट टू सेल माय बाइसाइकिल फॉर ₹1,000, और बी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे ए ने बोल के चाहे लिखित रूप के अंदर जो है उसको ऑफर दी है, तो इसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, जब हम शब्दों के अंदर, चाहे वो रिटन है चाहे वो स्पोकन है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हम उसके एक्ट या कंडक्ट से होता है। अब जैसे बस जा रही है तो उसके अंदर हम बैठ जाते हैं, तो इट मीन्स कि हमें अभी टिकट खरीदनी पड़ेगी। अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं, तो भी हमें वहाँ पे पैसे देना पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे जो एक्ट होता है, जो कंडक्ट होता है, वहाँ से जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फर किया जाता है। और उसी तरह टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट, देखो साइलेंट टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से कंक्लूड किए जाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ शब्दों को लिखने या बोलने की जरूरत नहीं होती, जब हम कैश जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन से विड्रॉ करते हैं, तो ये टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे ऑक्शन सेल होती है, तो वहाँ पे भी ये नहीं कहते, वहाँ पे भी जब देखो हथौड़ी जो है जब फॉल करती है, जब वो फॉल करती है, हैमर फॉल करता है, टेबल को टच करता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टिव और कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ पे जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम डेलिब्रेटली एंटर करते हैं, बट कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लॉ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एस्टेब्लिश होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बिजनेसमैन है, अपनी चीज़ें किसी के घर में गलती से भूल आता है और वो चीज़ें यूज़ कर लेता है, तो अब उसको पैसे देने पड़ेंगे। और इसी तरह किसी को खोई हुई चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है वो ट्रू ऑनर को रिटर्न
अनबैक करे। और उसी तरह ट्रू ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसने कोई प्राइज रखा हुआ है या जो फाइंडर है अगर उसका कोई खर्चा होता है तो वो उसको वापस करे। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो हैं जैसे इंटरनेट पे करती हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो नेटवर्क क्रिएट करती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेज से जुड़ा होता है, या ईमेल्स के द्वारा हम ऑफर या एक्सेप्टेंस भेजते हैं। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि जो हो गया। अब जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी, बी ने उसको पैसे दे दिए, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अब दोनों पार्टीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी, बी ने उसको पैसे दे दिए, बोथ द पार्टीज़ हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, लाइक ए पेंटेड द पिक्चर ऑफ बी एंड बी पेड द मनी फॉर इट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल के अंदर क्या है कि एक पार्टी ने अपना काम कर दिया और दूसरी पार्टी का काम रहता है, जैसे ए ने पिक्चर पेंट कर दी बट बी ने अभी पैसे नहीं दिए, या बी ने पैसे दे दिए अभी ए ने पिक्चर पेंट नहीं की, इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन और अदर पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, जैसे ए ने बी की पिक्चर पेंट कर दी बट बी ने उसको पैसे नहीं दिए। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज ने अभी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है, जैसे अभी ए ने पिक्चर पेंट करनी होती है और बी ने पैसे भी नहीं दिए होते, पैसे भी जो है अभी नहीं दिए, दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन ड्यू मतलब रहती हैं, तो उसको हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। इन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या होता है कि कंसर्टेशन इज नॉट नीडेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं जिनको बेसिकली जो है जब जजमेंट हो जाती है तो उसको रिकॉर्ड के अंदर जो है डाल दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इज़ वन विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड एडजुडिकेटेड बाई कोर्ट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन, जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर होता है और जो कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर एंटर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होता है जहाँ पे भी कंसेशन नहीं चाहिए होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है कि जहाँ पे जो सील लगी होती है उससे अथॉरिटी ड्राइव होती है कि, और यहाँ पे ये रिटन और साइंड होता है और ये पार्टीज़ को सील जो है लगा के दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, और यहाँ पे कोई कंसेशन जो है नहीं नीडेड होती। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रिलेटिंग टू लैंड फॉर मोर देन 3 years, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश शिप और एनी शेयर देयर ऑन। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील नहीं होते वो सारे, जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है स्पोकन हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, ऑरली हो सकता है, और ये वैलिड कंसेशन इसके अंदर ज़रूरी होती है। और उसी तरह क्या होता है कि ये पार्टीज़ के कंसेंट से भी जो है इसको हम इन्फर कर सकते हैं।